बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रबुआ के शब रोज़ के हवाले से हम एमटीए के नाज़रीन को रबुआ में होने वाली मुख्तलिफ मसरूफियात और इस तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग दिखाते रहते हैं। इससे पहले हमने ईद उल फितर के हवाले से रबुआ में होने वाली मसरूफियात आपकी खिदमत में पेश की थी। अल्लाह ताला ने हर मज़हब के लिए कोई ना कोई खुशियाँ और त्यौहार रखे हुए हैं। उनमें अगर कोई भी मज़हब उठा के देख लें, खा ईसाइत है, खा यहूदियत है, खा हिंदू मत है, खा इसके अलावा दूसरे मज़ाहिब हैं, उन सब में कोई ना कोई ऐसे त्यौहार मौजूद हैं जो उनके मज़हब के एतबार से खुशी का मफहूम पेश करते हैं। मज़हब इस्लाम ने भी खुशी के हवाले से मुख्तलिफ त्यौहार रखे हुए हैं, जिनमें से दो त्यौहार जो हैं वो अपनी ज़ात में बहुत अहमियत के हामिल हैं और वो ईदैन के त्यौहार हैं, जिसमें ईद उल फितर जो यकम शव्वाल को होती है और दूसरी ईद उल अज़िया जो ईद उल फितर के 2 माह 10 दिन बाद 10 ज़िलहज्जा मनाई जाती है। पाकिस्तान में ईद उल अज़िया 7 नवंबर को होगी। रबुआ में आपको हम ईद उल अज़िया के हवाले से जो तैयारियां हैं वो आपको दिखाएंगे। जहां तक ईद उल अज़िया का ताल्लुक है, इसका एक अहम फरीज़ा कुर्बानी है। कुर्बानी किस तरह यहाँ की जाती है, किस तरह जानवरों की ख़रीदारी होती है, कौन कौन से जानवर हैं जो ख़रीदे जाते हैं और फिर उनको कुर्बान किया जाता है अल्लाह ताला के रास्ते में, वो हम आपके सामने सारी मसरूफियात जो हैं वो रबुआ के हवाले से दिखाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रबुआ के सबसे मसरूफ़ चौक अक्सा चौक में और यहाँ पर हम आपको लिए चलते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जानवर खड़े हैं और दिखाएँगे आपको कि किस तरह व्यापारी जो है वो जानवर को बेचता है और ख़रीदार किस तरह उसको खरीदता है। ईद उल अज़िया के हवाले से जो जानवर कुर्बान किए जाते हैं उनमें ज़्यादातर जो छोटे जानवर हैं उनमें बकरा है, छतरा है और दुम्बा है, और इस तरह यही जो छोटे जानवर हैं ये मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा जो बड़े जानवर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो गाय है, उसकी कुर्बानी की जाती है जिसमें 7 हिस्से होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे भी शहर मौजूद हैं जहाँ पे ऊँट की कुर्बानी की जाती है और फ़िक़्हे अहमदिया की रूह से ऊँट की कुर्बानी जो की जाती है उसमें एक ऊँट में 10 हिस्से जो हैं वो डाले जाते हैं। रबुआ के शब रोज़ के हवाले से हम आपको ईद उल अज़िया का प्रोग्राम दिखा रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बड़े जानवर भी हैं और बैक पर अगर देखा जाए तो छोटे जानवर भी हैं, बकरे भी हैं और इस तरह भेड़ और छतरे जो हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको व्यापारियों से भी मिलाएंगे और इस तरह ख़रीदारों से भी मिलाएंगे, ग्राहकों से भी मिलाएंगे कि किस तरह ख़रीदारी की जाती है और किस तरह इस फरीज़े की अदायगी जो ईद उल अज़िया के मौके पे होती है उसको सरंजाम दिया जाता है। चूँकि गाय में 7 हिस्से डलते हैं इसलिए जानवर के जिस्म के एतबार से उसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसमें कितना गोश्त हो सकता है, उसी हिसाब से हिस्से की रकम का तायुन किया जाता है। अगर जानवर छोटा है जिस्म के एतबार से तो उसका जो रकम के एतबार से हिस्सा है वो भी कम होता है, लेकिन अगर जानवर जो है वो सेहतमंद है, उम्र का भी बड़ा है, उसका कद भी बड़ा है और उसमें गोश्त भी ज़्यादा मकदार में निकलने का इम्कान होता है तो उसका हिस्सा भी रकम के एतबार से फिर ज़्यादा होता है। तो हर शख्स जो है वो अपनी इस्तेआत के मुताबिक जो उसकी जेब इजाज़त देती है वो अपने हिस्से यहाँ पे आके खुद ब खुद चुनता है और ईद के दिन वो मुकर्रर कर देते हैं जगह को कि यहाँ पे ये जानवर जो है ज़बह किए जाएंगे। यहाँ पे इस वक्त ये जो जगह है मैं इसका तारुफ करवा देता हूँ, ये रेलवे रोड है और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड पे हम जहाँ पे दारुल रहमत बस्ती का मोहल्ला शुरू हो जाता है वहाँ पे रेलवे रोड के बिल्कुल करीब खड़े हैं। ये एक ऐसी मसरूफ़ जगह है जो ईद उल अज़िया के मौके पे ज़्यादा जानवरों से भरी हुई दिखाई देती है। यहाँ पे हर किस्म के जानवर आपको मिल जाते हैं, बड़े जानवर भी हैं और छोटे जानवर भी हैं और इस तरह हर साल कई सालों से हम इस जगह को देख रहे हैं कि वो मखसूस कर दी गई हैं। दाईं तरफ का जो ग्राउंड है जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बैक पे है वहाँ पर बड़े जानवर यहाँ पर रखे जाते हैं और लेफ्ट साइड पर रेलवे रोड के छोटे जानवर आपको मिल जाते हैं। यही वो इलाका है जहाँ पे लोग आते हैं और इन बड़े जानवरों छोटे जानवरों को ख़रीदते भी हैं।
लेकिन इस वक्त यहाँ पे ज्यादातर तादाद जो है वो उन गाहक की है जो बड़े जानवर के गाहक हैं, और यहाँ पे सिर्फ बाज ऐसे जानवर हैं जिनमें हिस्से डाले जाते हैं, और अक्सर व बेशतर जो लोग यहाँ पे आते हैं वो किसी न किसी जानवर में अपना हिस्सा डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ दोस्त आए हुए हैं, उनसे कुछ तारफ भी करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे किस लिए हाजिर हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ जी। मोहम्मद यूसुफ सवाब जी, क्या लगते हैं आपके? ये भतीजे ही लगते हैं। आपका नाम? मसूद अहमद जी। अच्छा, ये आप यहाँ पे खरीद आए हैं या कोई हिस्सा वगैरह डालना? हिस्सा डाल रहे हैं, हिस्सा डाल रहे हैं, दो हिस्से हमने डाले, एक गाय में, एक हिस्सा है। हाँ जी सर, कौन सा जानवर है ये बताएं मुझे? ये सुरख वाला जानवर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके हिसाब से इसमें कितना गोश्त है जो आपके हिस्से आएगा? तकरीबन किसे का? एक 16-17 किलो गोश्त आएगा। ठीक है, हर साल आप बड़े में ही हिस्सा डालते हैं? बड़े में हिस्सा डालते हैं। ठीक है, जज़ाकअल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ गाहक हैं, उनसे भी हम मिलते हैं। चूंकि ये कुर्बानी का जानवर है, इसलिए कुर्बानी के जानवर को लोग बाज़ घरों में तो पालते भी इसी तरह हैं जिस तरह एक प्यार के साथ एक चीज पाली जाती है, और उसकी पंजाबी में कहते हैं कि बड़ी सेवा करते हैं। जब ईद करीब आती है तो उसको मुख्तलिफ रंगों से, मुख्तलिफ चंडियों से, हारों से, और इस तरह बाद लोग मेहंदी लगाते हैं, उसे भी सजाया जाता है। तो ये अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी पेश करने के लिए बेहतर से बेहतर और खूबसूरत से खूबसूरत जो तरीक है उसको अपनाने की कोशिश की जाती है, व्यापारी की तरफ से भी और गाहक की तरफ से भी। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि रबुआ में रहने वाले जो दोस्त हैं, हाँ वो आज भी रबुआ में रहते हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, वो इनके चेहरे से भी वाकिफ होंगे और इनकी शख्सियत से भी वाकिफ होंगे। 9 साल 9 महीने थे जो इधर आए वापस, कारोबार इतने पीछे आके उसे पता नहीं क्यों। अच्छा, वो सी नहीं थी अभी। ठीक है, इतने कारोबार शुरू किया। इस वक्त मैं अक्सा चौक में हूँ, और ये टाइम है जो पीक टाइम है रश का और हजूम का टाइम है। यहाँ पे इस वक्त सारे व्यापारी भी आए हुए हैं मुख्तलिफ जानवर लेके, और इस तरह जो कस्टमर्स हैं, गाहक हैं, खरीदार हैं, वो भी काफी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपको मंडी के अंदर लिए चलते हैं कि तो खरीदे आए या आप ही घर पा लिया? नहीं, घर पा लिया। घर पा लिया? ये विलायती है कि दोगला है? विलायती है, घर ही पा लिया। घर होर भी मजा मुजा है ना? गाय है। की कीमत मांग रहे हो? 60,000। मिलती की नहीं है? 52,000 लगा। 52,000 देना नहीं है जे? नहीं, 52,000 नहीं देना। देना किन्ने का देना? आखिरी 58 तक दे देना। 58 तक दे, चलो ठीक। कीमत तकरीबन 1.5 गुना कीमत है पिछले साल तो। पिछले यानी जेड़ा बकरा पिछले साल था 10,000 का मिला, 15,000 हो गया की 15 का। लेकिन है तो देने भी तो पए ने ना? हाँ जी, हाँ जी, देने से पहले देखो व्यापारी ने तो यह होंगे कि मैंने कुछ मिल जाए। हाँ, लेकिन अगो जो दिन आ रहे हैं कीमत ग्रांड वाले आएंगे ना कि आप होने वाले आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो निका ही करना है कि वे हिस्सा पाना है? पहले तो प्रोग्राम निके का है, तो जो गुंजाइश ना निकली तो फिर वे हिस्सा पा लेंगे। चलो ठीक, शुक्रिया। अल्लाह मुबारक करे सारे साले। आपका नाम जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम जी डॉक्टर वकास अहमद शेख है, और मुझे यहाँ पे जो है महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है फॉर द वेल बींग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो हमारा जो मेन मकसद है वो है कि जहाँ पे जो भी हमारे फार्मर्स हैं यहाँ पे अपने एनिमल्स लेके आते हैं, उनको फ्री जो है मेडिसिन प्रोवाइड करना, और उनकी फ्री ट्रीटमेंट और फ्री उनकी प्रदर्शी टेस्टिंग करनी। ठीक है, आप कब से यहाँ पे, कितने दिन हो गए यहाँ पे? मैं तकरीबन 10 डेज हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए। 10 डेज? 10 दिन हो गए हैं। पहले दिन से जानवर शुरू हो गए थे आपके? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो औसत क्या रहती है आपकी एक दिन में? तकरीबन 15-20-25 तक आते हैं जो होते हैं डिजीज एनिमल्स, 15-20-25-30 तक भी आते हैं। आपका वैसे किस इलाके से ताल्लुक है? मैं बेसिकली भेरा से हूँ, और यहाँ मेरी पोस्टिंग है एज ए वीओ, एज ए वेटनरी ऑफिसर। बिल्कुल फ्री करते हैं हम फार्मर्स को और लाइफ स्टॉक को, और जो भी हमारे यहाँ पे आते हैं पेशेंट्स उनको बिल्कुल फ्री हमारी ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ आप रबुआ में आए हुए हैं तो सुबह कितने बजे आप आते हैं, शाम कितने बजे जाते हैं, यहीं पे रह के? नहीं, यहाँ पे रहते हैं हम, और जो हमारी दो शिफ्ट यहाँ पे रखती है, एक होती है 8 से लेकर 3 बजे तक, और एक होती है 3 से लेकर 8 बजे तक शाम। उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? उसके बाद हम छुट्टी होती है हमारी, छुट्टी हो जाती है। लेकिन इतना सामान सारा लेके आते हैं? नहीं, यहाँ पे रखते हैं सामने सामान, यहाँ पे रख जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर आप यहाँ चले जाते हैं सुबह। कितने दिन तक ये रहना है? ये ईद तक होगा। ठीक है, ये आपने जो यहाँ पे शुरू किया हुआ ये मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को भी, आपको भी।
और क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो दरअसल या तो जरी है या ये जानवर पे चल रहा है। अल्लाह ताला आपको जाय खैर दे, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जनाब। असर के बाद यहाँ अक्सा चौक में रश पड़ जाता है, जानवरों का भी और व्यापारी भी आ जाते हैं और इस तरह गाहक भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो सिलसिला है रश का, ये रात गए तक चलता है। ईद से एक दिन पहले भी रात गए 11-12 बजे तक यहाँ पे लोग रहते हैं और जो व्यापारी होता है उसकी ये कोशिश और ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पे अपने जानवर को बेच दे, और जो ख़रीदार होता है उसने अपनी जेब का हिसाब लगाना होता है। तो ये जो चौक है ये मसरूफ तरीन चौक होता है ईद के अयाम में, और खुसूसन बड़ी ईद के हवाले से। सुन्नत इब्राहिमी को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखने के लिए ईद उल अज़िया के मौके पे वो लोग जो इस्तात रखते हैं उनके ऊपर कुर्बानी को फ़र्ज़ कर दिया है। इस हवाले से रबुआ के शब रोज़ के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि ईद उल अज़िया से चंद दिन पहले यहाँ पर क्या मसरूफियात हैं, लोग किस तरह जानवरों को ख़रीदते हैं, क्योंकि बड़ी जो है ये कुर्बानी के जानवर के साथ एक गहरा ताल्लुक रखती है। और इसी हवाले से ईद उल फितर और ईद उल अज़िया में ये एक माबेल इम्तियाज़ है। रबुआ के मुख्तलिफ मोहल्लाजात से जो लोग जानवर बेचने के लिए आते हैं वो असर के बाद यहाँ अक्सा चौक पहुँच जाते हैं। किसी के पास एक जानवर होता है, किसी के पास दो जानवर, बाद छोटे जानवर ले के आते हैं और बाद बड़े जानवर। की ना दाड़ा? शफीक अहमद। इसा केड़े मले हो जी? दारा यमन गरबी। केड़ा? दारा यमन गरबी। दारा यमन गरबी। ए जानवर वड्डा लेके तुसी आ रहे हो? हां जी। एक घर दा पलिया वा? हां जी। किन्नी उम्र है दी? दोंदा जी। दोंदा हो गया। दोंदा किन्नी उम्र च हुंदा जी? सही 1.5 साल च हुंदा। 1.5 साल च हो जांदा है। बाद ज्यादा टाइम ही लंदे? हां जी। तेरी की कीमत है, की लेना जी? 48000 जी। 48000? ए ते तुसी मंगण ले हो ना, ते कोई गाहक अगर तानू दे दवे कोई 40 दे दे या 38 दे दे 35 दे दोगे? नहीं सर, 40 तक तो नहीं, 43 देगा तो दे दे। 48 तो तुम शुरू होना है? चलो ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी जज़ाकअल्लाह। हाँ जी, तुम की लेके आए हो? मैं जी बकरे लेके आया। केड़े मले हो? दारू यमन वस्ती। ये आप रखे सर? ये घर दे ने। घर दे बकरे ने? ते होर भी बकरे शकरे रखे ने? नहीं मेरे को 300 मैं 3 लेके आया। सारा साल कारोबार कर रहे हो? नहीं मैं जी एफए जो पढ़ता था। पढ़ते भी माशाल्लाह, बड़ी गल है। ते बकरे ने दोंदे ने के खीरे ने? ये पक्के खीरे ने। पक्के खीरे घर दे पले ने, तुहानू पता ही होना। पक्का खीरा कहंदे किन्नू ने भला? जेदे दंदा छेड़ा पै जांदियां ने। छेड़ा पै नहीं ते उम्र किन्नी? साल दा हो जांदा। बिल्कुल ठीक है। ते की लेना जे इना दोवां दा? इना जनाब 15 लेना ते 8 लेना। एदा 15 ते एदा 8? चलो ठीक है, अल्लाह खैर करे जनाब, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकअल्लाह। रबुआ के शब रोज़ के हवाले से हमने आपके सामने ईद उल अज़िया की तैयारियां दिखाई, जिसमें मेन इवेंट जो था वो जानवरों की ख़रीदारी था। हमने आपको दिखाया कि किस तरह व्यापारी जो है वो जानवर बेचता है और ख़रीदार और गाहक जो है वो किस तरह जानवर को ख़रीदता है। पूरी दुनिया में ईद उल अज़िया के मौके पे जिस तरह दूसरे मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा रखने के लिए कोई ना कोई जानवर कुर्बान करते हैं, इस तरह अल्लाह ताला के फजल के साथ रबुआ में भी कई ऐसे घराने, कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्तेआत दी है और वो ईद उल अज़िया के मौके पे इसी सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा रखने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म के तहत कोई ना कोई जानवर कुर्बान करते हैं। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये ईद हर लिहाज से आपके लिए बेहतर करे और मुबारक करे। आप खास दुनिया के किसी भी कोने में हों, ये दुआ हमारी आपके साथ साथ रहेगी। उम्मीद है कि आपको रबुआ के शब रोज़ के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम भी, जो रबुआ में ईद उल अज़िया की तैयारियों के हवाले से हमने आपको दिखाया, पसंद आया होगा। हम आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, पाकिस्तान@mta.tv। अल्लाह हाफिज़।